आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, ताजिन इलाकों में बदलेगा मौसम का मिजाज, होगी मूसलाधार बारिश। मानसून के दूसरे दौर की बारिश अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची है। वही देश के कई राज्यों में उपनायी नदियों से खतरा यहां पर बढ़ गया है। वही एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात और ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। वही मौसम विभाग ने आज भी देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार, उत्तराखंड में आज भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यहां पर भारी बारिश की संभावना है। वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम जो निजी मौसम पूर्व एजेंसी है अनुमान की जो स्काई मेट वेदर उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, उपमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो बारिश की गतिविधियां है वो आज तेज होने की संभावना जताई गई है। यानी बारिश में जो बारिश का जो सिलसिला है वो तेज होने की संभावना जताई गई है। बात कर लेते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में 2 दिन तक मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी की है चेतावनी। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अभी यहाँ पर सूखे के हालात है, तो वही कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वही मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और बांदा और इसके अलावा जौनपुर, गोरखपुर और गोंडा सहित देश के मतलब यूपी के कई जिलों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश, तो कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। तो वही कुछ शहरों में उमस और तिलचिलाती धूप का सितम भी जारी रहेगा। वही मौसम विभाग के NIMD की माने तो लखनऊ में आज बारिश हो सकती है। गाजियाबाद, नोएडा में सुबह से ही यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। वही आगरा में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। आने वाले 3-4 दिन तक बरसात का सिलसिला जारी रह सकता है। वही गोरखपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही प्रयागराज में भी कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। वगैरह 3 दिन तक यहाँ पर घने बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वही अलीगढ़, कासगंज, मथुरा और इसके अलावा इटावा और इसके अलावा कन्नौज और आजमगढ़ में भी ये बारिश की संभावना जताई गई। यानी यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल छाए तो कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज धूप निकलने से लोगों को परेशानी का सामना करना भी पड़ सकता है। वही बात कर लेते हैं MP मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो पिछले 24 घंटों में एक्टिव हुआ है नया सिस्टम, 17 जिलों में भारी बारिश की संभावना MP में जताई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मौसम में फिर से बदलाव देखा जा सकता है। सुस्त पड़े मानसून के दोबारा सक्रिय होने से पूर्वी MP के कुछ इलाकों में आज से बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में एक नया चक्रवाती मतलब जो नया चक्रवात सक्रिय है वो होने से जबलपुर से और इसके अलावा कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। वही मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज के लिए कुछ जिलों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, चेतावनी जारी की है। वही कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट, तो कुछ इलाकों में ज्यादा यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। वही 6 से 3 जिलों में बिजली की नई चेतावनी भी जारी की गई है। वही MP मौसम विभाग के मुताबिक आज सभी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। रीवा, नर्मदापुरम संभाग और सीहोर, उमरिया और कटनी, छिंदवाड़ा और सिवनी और इसके अलावा मंडला जो इलाका है वहाँ और इसके अलावा बालाघाट, पन्ना, छतरपुर में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। रीवा, शहडोल और भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुरम और इसके अलावा सागर संभाग और बुरहानपुर, खंडवा में भी यहाँ पर ये बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। वही 30 और 31 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, वर्षा होने की संभावना जताई गई है। आज पूर्वी MP यानी महाकौशल के जबलपुर से लेकर बुंदेलखंड के बघेलखंड में रिमझिम बारिश हो सकती है। वैसे सितंबर के माह में 15 दिन तक बारिश की गतिविधियां छिटपुट जो है MP के अंदर जारी रहने की संभावना है।
यानी छटपुट बारिश यहाँ पर होती रहेगी, ये जानकारी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। बात अब कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम विभाग के समाचारों की। छत्तीसगढ़ का क्या कहता है मौसम, तो बता दें आपको कि मानसून जो द्रोणिका है उसके प्रभाव से कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो मौसम है उसमें एक बार फिर पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही मानसून द्रोणिका के प्रभाव से आज प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वही छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने आज बिलासपुर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है, यानी बिलासपुर समेत प्रदेश के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वही एक दो स्थानों पर बिजली गिरने और चमकने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका जो है वह हिमालय के तराई क्षेत्रों में स्थित है। एक ऊपरी हवा के चक्कर के घेरा दक्षिणी पश्चिमी बिहार उसके आसपास के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। वही मानसून द्रोणिका का असर से 28 को यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। 29 अगस्त को यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही दो स्थानों पर भारी से अधिक भारी बारिश भी हो सकती है, ये छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक मानसून जो बारिश है मानसून की वो ग्रहण की स्थिति हो चुकी है। वही मानसून सीजन 30 सितंबर तक रहता है, ऐसे में बाकी 34 दिनों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून जो है वो 11 अक्टूबर तक ही रहेगा, वही अंतिम चरण में 22 अक्टूबर तक बन रहने की संभावना है। वही मानसून द्रोणिका की सक्रियता के चलते पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, छत्तीसगढ़ में ये बारिश की संभावना जताई गई है। वही कौन कौन से शहर में जताई गई, आपको बता दें कि सरगुजा जिले में 49% इस बार बारिश कम हुई है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर सबसे ज्यादा बीजापुर में बारिश हुई है, और सबसे कम यहाँ पर जो बारिश का आंकड़ा है वो यहाँ पर जसपुर का यहाँ पर है, यहाँ पर कम बारिश हुई है, यानी इन जिलों में कम बारिश हुई है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, राजस्थान का क्या कहता है मौसम, तो बता दें आपको कि राजस्थान में कई इलाकों में हल्के यहाँ पर बादल वगैरह छाए हुए हैं। वही अभी राजस्थान में फिलहाल बारिश को लेकर ज्यादा चेतावनी यानी तगड़ी चेतावनी यहाँ पर जारी नहीं की गई है। दरअसल राजस्थान में मानसून जो गतिविधि है वो फिलहाल कमजोर चल रही है, जिसके कारण प्रदेश के अंदर जो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। वह राजस्थान में इस बार मानसून ने 8 दिन की देरी से इस बार राजस्थान में इस अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन आते ही ताबड़तोड़ बारिश ने देश भर में राजस्थान को 4वें नंबर पर ला खड़ा कर दिया। वही तमिलनाडु और तेलंगाना और लद्दाख के बाद ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजस्थान सबसे ज्यादा बारिश हुई, यानी तमिलनाडु तेलंगाना और लद्दाख ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर राजस्थान से ज्यादा बारिश हुई है। दरअसल 13 अगस्त के बाद मानसून की दूसरी बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़े। इस बार मानसून की बारिश ने 2 तरह के रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहला तो ये कि 11 साल में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, और दूसरा ये कि इस बार किसी क्षेत्र में विशेष सीमित तक रहने की बजाय राज्य में सभी जिलों में बढ़िया मतलब औसत बारिश यहाँ पर हुई है। इस बार मानसून ने राजस्थान की झालावाड़ कोटा की तरफ प्रवेश करते हुए अपनी प्रभावी उपस्थिति दिखाई, और प्रदेश में 30 जून को मानसून आया, मतलब जो 30 जून को मानसून आया तो नहीं उम्मीद थी, लेकिन हर रोज की तरह वो यहाँ पर मानसून जो है वो लेट आया। वही प्रदेश में अब फिलहाल इस बार अच्छी बारिश हुई है, यानी 30 जुलाई आते थे प्रदेश भर में 324 mm बारिश हो गई, जबकि मानसून में ही यहाँ पर 435 बारिश की बारिश यहाँ पर होती है। यानी जो अधिकांश कोटा है वो 30 जुलाई तक ही राजस्थान का भर चुका था। 30 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में तो 90% के आसपास बारिश हो चुकी थी, जबकि राजस्थान में बाकी यहाँ पर 40% बारिश हो चुकी थी। वही मानसून के बीच 23 अगस्त को नया सिस्टम बनने से कोटा डूंगरपुर और सीकर में जोरदार बारिश हुई। कोटा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में जमकर बारिश हुई। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसी सिस्टम के कारण सन सिटी को रेन सिटी यहाँ पर कहा गया, जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। वही जनजीवन प्रभावित होने से जोधपुर में इस बार बाढ़ भी आई है। वही मौसम विभाग ने फिलहाल कोई बड़ी यहाँ पर जो बारिश है उसकी चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने फिलहाल के लिए तो नहीं जारी की है, यानी कोई भारी बारिश की विशेष चेतावनी जारी राजस्थान के अंदर नहीं की गई है। वही राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम अपडेट की, तो बिहार का क्या कह रहा है मौसम, तो बता दें आपको कि बिहार में भागलपुर किशनगंज और माधेपुर समेत कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है, यानी बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी है। दरअसल बिहार में कल मौसम कम ज्यादा बदलने को है, ऐसे में पूर्वानुमान है कि भागल और आसपास के इलाकों में, जो भागलपुर का इलाका है और आसपास के जिलों में जोरदार बारिश होगी। वही वर्षा इस
पूरे हफ्ते होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के माने तो कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश होगी, ये अपडेट दिया गया है। भागलपुर, किशनगंज, मधेपुर और इसके अलावा पूर्णिया, सुपौल और अररिया, कटिहार और बांका जिलों में दो स्तरों पर मेघगर्जन के साथ साथ घनघोर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों के लोगों को सावधान रहना चाहिए, नहीं लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। वही आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी सूचना भी दे दी है। वही भागलपुर में पूरे हफ्ते बारिश की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। वही तापमान में जो है अब तेजी से गिरावट आएगी। हालांकि भागलपुर में 2 से 3 दिन यहाँ पर बारिश हुई थी, इसके बाद गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा था, यानी गंगा नदी का जलस्तर है वो तेजी से यहाँ पर बढ़ा। वही अब बात कर लेते हैं अब बिहार के बाद झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो क्या कह रहा है झारखंड का मौसम अपडेट। तो बता दें आपको कि झारखंड में भी पिछले कई दिनों से जो मौसमी बदलाव है वो चल रहा है। दरअसल झारखंड के कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई है और वज्रपात भी कुछ इस जिलों में होने की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग ने, तत्कालीन मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड के साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और इसके अलावा जमतड़ा जिलों में कुछ इलाकों में 1-2 घंटे हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। वैसे मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को आग्रह कहा, मतलब आग्रह किया है और कहा है कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे और यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लें। वही यहाँ पर फिलहाल कुछ दिनों में जो झारखंड के कई इलाके हैं जहाँ जोरदार बारिश हो रही है, रांची में झमाझम बारिश हुई है, वह वज्रपात से कई इलाकों में नुकसान भी पहुँचा है। दरअसल रांची में कल मौसम का मिजाज अचानक बदला, दोपहर को झमाझम बारिश हुई और सुबह यहाँ पर डूबती हुई दोपहर को मौसम में बदलाव दिखा। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश होने लगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान बताया गया कि रांची समेत कई जिलों में बारिश के आसार, इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वह वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। राज्य में 3 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया, यानी झारखंड के कुछ जिलों के लिए ये जो अलर्ट है वो जारी है।